हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, जो आपका एसएससी सीजीएल और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है वो देखिए कंप्लीट हो गया और इसमें काफ़ी ऐसे कैंडिडेट थे जिनका स्कोर जो है वो काफ़ी अच्छा बनना है। और इसके बाद देखिए तो यहाँ पर जो आपकी शिफ्ट है, अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए 14 जुलाई से जो एग्ज़ाम चला है वो आपका यहाँ पर चला और इसके बाद अब जो एग्ज़ाम यहाँ पर कम्प्लीट हो गया तो 26 जुलाई तक जो आपका एग्ज़ाम है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए तो आपका जो शिफ्ट वाइज एवरेज है, यानी कि अगर हम देखें तो आपका देखिए यहाँ पे फर्स्ट से लेकर फोर्थ शिफ्ट तक जो भी आपकी देखिए एग्ज़ाम की डेट थी, फर्स्ट से लेकर फोर्थ शिफ्ट तक कितना एवरेज मार्क्स बनना है, आपकी कोई भी शिफ्ट हो उसमें एवरेज मार्क्स जो है वो कितना बनना। और उसके बाद देखिए आपकी शिफ्ट जो है वो टफ थी या कह सकते ईजी थी या ईजी टू मॉडरेट थी या मॉडरेट थी, कैसी आपकी शिफ्ट थी। और इसके बाद अगर आपकी शिफ्ट ईजी थी तो कितना आपका मार्क्स यहाँ पर बनना जिससे आप यहाँ पे बिल्कुल सेफ हो जाओगे, टीयर टू के लिए क्वालिफाई कर लोगे। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे आपकी कौन सी ऐसी शिफ्ट है जो मॉडरेट थी और कितने मार्क्स में मॉडरेट शिफ्ट यहाँ पर देखने को मिले। वही अगर हम टफ शिफ्ट की बात करें या इजी, अगर हम यहाँ पर इजी शिफ्ट ले तो यहाँ पर कितने ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका मार्क्स जो है वो काफ़ी अच्छा बनना हो, क्योंकि शिफ्ट आपकी देखिए ईजी है तो इस वजह से मार्क्स जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिला है। तो पहले यहाँ पर देखिए आपका जो पूरा यहाँ पर सिलेबस है वो आपका है इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है और यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड है। तो इसमें देखिए तो यहाँ पर टोटल देखिए आपके 25 यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपका स्कोर बनना है वो यहाँ पर 200 आपका मार्क्स बनेगा, यानी कि जो कट ऑफ बनेगी वो आपका देखिए इसी बेसिस पे बनेगी। यहाँ पर 100 आपके क्वेश्चन थे, 1 आवर आपका यहाँ पर टाइम दिया गया था। तो ये आपका पूरा देखिए सिलेबस था जिसके बेसिस पर यहाँ पर कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को अटैम्प किया। 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ और लगभग आपका जो यहाँ पर शिफ्ट है वो 39 यहाँ पर शिफ्ट चली और इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम में वो फाइनली यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर देखिए इसके बाद देखिए तो यहाँ पर जो आपका देखिए 14 जुलाई की अगर हम बात करें फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज बनना है यानी कि मार्क्स जो बनना है वो आपका 137 यहाँ पे बनना है। 14 जुलाई की सेकंड शिफ्ट देखिए 131 है, 14 जुलाई की थर्ड शिफ्ट की बात करें 132 है, 14 जुलाई की फोर्थ शिफ्ट की बात करें 134 है। तो इसमें अगर देखें तो टोटल इस शिफ्ट का जो एवरेज बनना है आपका 14 जुलाई की अगर हम चारों शिफ्ट को लेकर चले तो इसका जो एवरेज ऑल टोटल यहाँ पर एवरेज बनना है 133.67। तो ये आपका देखिए शिफ्ट यहाँ पर टोटल चारों शिफ्ट का एवरेज जो निकल गया है वो आपका इतना यहाँ पर बना। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर 17 जुलाई और 17 जुलाई की बात करें तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज है 138.16 है, 17 जुलाई के सेकंड शिफ्ट देखिए तो एवरेज बनना 134, 17 जुलाई के थर्ड शिफ्ट देखिए 136 है और उसके 17 जुलाई के फोर्थ शिफ्ट की बात करें यहाँ पर 133 बनना है। तो इसमें देखें तो ऑल टोटल जो आपका 17 जुलाई के चारों शिफ्ट का यहाँ पर जो एवरेज निकल के आया है वो आपका यहाँ पर बनना है 135.60। तो ये आपका देखिए शिफ्ट वाइज यहाँ पर एवरेज है। उसके बाद देखिए आपका आता है 18 जुलाई, तो 18 जुलाई की बात करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट है इसका एवरेज जो बनना वो 137 यहाँ पर, 18 जुलाई के सेकंड शिफ्ट की बात करें 139 है, 18 जुलाई के थर्ड शिफ्ट की बात करें 128 है। और इसमें देखें तो 18 जुलाई की ये आपकी जो शिफ्ट है यहाँ पर थर्ड शिफ्ट है ये आपकी यहाँ पर हार्ड शिफ्ट है। और इसमें देखें तो आगे यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कौन सी शिफ्ट जो है वो आपकी यहाँ पर हार्ड निकल के आ रही है। 18 जुलाई की फोर्थ शिफ्ट की बात करें 137 है, तो इसमें अगर देखें तो देखिए चारों शिफ्ट का यहाँ पर जो एवरेज निकल के आ रहा है तो 18 जुलाई की चारों शिफ्ट का जो एवरेज है इसके अगर हम बात करें तो 135 यहाँ पर आपका जो एवरेज है वो है 80। तो ये आपका देखिए यहाँ पर टोटल जो शिफ्ट वाइज एवरेज है ये इतना आपका यहाँ पर 18 जुलाई को देखने को मिला। 19 जुलाई की बात करें तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज है 135 यहाँ पर है, 19 जुलाई के सेकंड देखें 131 है, 19 जुलाई की थर्ड शिफ्ट की बात करें 137 है, 19 जुलाई की फोर्थ शिफ्ट देखें तो यहाँ पर 130 है। और इसमें देखें तो यहाँ पर जो आपका देखिए टोटल ऑल टोटल यहाँ पर 19 जुलाई की जो टोटल चारों शिफ्ट का एवरेज जो एक निकल के आ रहा है वो आपका यहाँ पर बनना है 133.94। तो ये आपका देखिए शिफ्ट वाइज टोटल यहाँ पर एवरेज जो है वो देखने को मिला। 20 जुलाई की देखिए बात करें यहाँ पर, अगर हम 20 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज है वो 133 है, 20 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का एवरेज है 139, 20 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का एवरेज है 137 और 20 जुलाई के फोर्थ शिफ्ट का एवरेज है 134। और इसमें देखें तो ऑल टोटल यहाँ पर चारों शिफ्ट का जो एवरेज है वो निकल के आ रहा आपका 136.89 है। तो यह आपकी 20 जुलाई का देखिए टोटल यहाँ पर जो एक एवरेज निकल के आया चारों शिफ्ट का।
इसके बाद आता है यहाँ पर 21 जुलाई, और 21 जुलाई की बात करें तो देखिए 21 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज है 135 है, 21 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का एवरेज 133 है, 21 जुलाई की यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का एवरेज है 134 है, 21 जुलाई की फोर्थ शिफ्ट की बात करें 134 है। तो ये आपके देखिए चारों शिफ्ट यहाँ पर है 21 जुलाई के, और इसमें अगर देखें तो यहाँ पर 21 जुलाई का जो आपका एवरेज निकल के आ रहा वो है 134.47 है। तो ये आपके देखिए 21 जुलाई तक यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया उनका एवरेज जो है वो इतना यहाँ पर निकल के आया। फिर देखिए 24 जुलाई की बात करें, 24 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज है वो 131 यहाँ पर है, 24 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का एवरेज 139 है, 24 जुलाई के यहाँ पर थर्ड शिफ्ट है 134 है, और 24 जुलाई के फोर्थ शिफ्ट की बात करें 132 है। और इसमें अगर देखें तो देखिए चारों शिफ्ट यहाँ पर जो एवरेज निकल के आ रहा 24 जुलाई में, तो 24 जुलाई की बात करें 134.75 जो है ये आपका शिफ्ट वाइज एवरेज यहाँ पर देखने को मिला 24 जुलाई के बाद। देखिए 25 जुलाई की बात करें तो 25 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट जो है 133 है, 25 जुलाई के सेकंड शिफ्ट की बात करें 137 है, 25 जुलाई के थर्ड शिफ्ट की बात करें 137 यहाँ पर है, 25 जुलाई की फोर्थ शिफ्ट की बात करें 134 है। और इसमें देखिए शिफ्ट वाइज एवरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका 25 जुलाई का एवरेज बनना है वो बनना 135.76 है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो 26 जुलाई की जो आपकी शिफ्ट है, तो इसमें यहाँ पर 26 जुलाई की देखिए एक आपकी शिफ्ट यहाँ पर ईजी आ गई, वहीं अगर हम देखें फर्स्ट शिफ्ट तो ये आपकी यहाँ पर कह सकते हैं हार्ड शिफ्ट आई थी, वहीं अगर हम देखें आपका ये सेकेंड और फोर्थ यहाँ पर मॉडरेट, तो यानी कि जो इजी मॉडरेट और हार्ड तीनों एक साथ शिफ्ट जो यहाँ पर देखने को मिल गई 26 जुलाई की आपकी कोई भी शिफ्ट हो यहाँ पर इजी हार्ड और मॉडरेट तीनों ही यहाँ पर शिफ्ट जो है उसमें कॉम्बिनेशन देखने को मिला। तो 26 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट देखें तो यहाँ पर 126 है, 26 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट 135 है, और 26 जुलाई की थर्ड शिफ्ट देखें 140, और 26 जुलाई की आपका फोर्थ शिफ्ट की बात करें 136 है। ये चारों शिफ्ट में अगर हम एवरेज आपका देखें टोटल यहाँ पर शिफ्ट वाइज एवरेज देखें तो टोटल आपका शिफ्ट वाइज एवरेज यहाँ पर निकल के आ रहा 134.45 है। तो ये आपका देखिए एवरेज मार्क्स है यहाँ पर जो 14 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को अटैम्प्ट किया और उतना यहाँ पर उनका जो शिफ्ट वाइज एवरेज है वो इतना यहाँ पर बनना है। तो आप बिल्कुल यहाँ पर देखिए कह सकते हैं क्योंकि कट ऑफ जो है वो एवरेज मार्क्स से ज़्यादा ही देखने को मिलती है, लेकिन इतना यहाँ पर का बनना है तो आप बिल्कुल यहाँ पर सेफ हो। फिर देखिए बात करते हैं यहाँ पर जो आपकी हार्ड शिफ्ट है, यानी कि जो अभी तक आए यहाँ पे हार्ड शिफ्ट देखने को मिली है, जो हार्ड शिफ्ट में कैंडिडेट यहाँ पे थे तो उनको तो नॉर्मलाइजेशन देखिए काफ़ी यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि शिफ्ट आपकी पहले से यहाँ पर हार्ड है और इसके बाद एग्ज़ाम का जो लेवल है इसी पर आपका डिसाइड होता है कि शिफ्ट आपकी यहाँ पर कितनी है। और उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन होता है जिससे सारे पे जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर ईजी हो, मॉडरेट हो या हार्ड शिफ्ट वाले हो, उनका स्कोर जो है वो एवरेज यहाँ पर निकल आए, तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन जो है वो हार्ड शिफ्ट के कैंडिडेट को देखने को मिलेगा। तो इसमें देखते हैं आपका देखिए हार्ड शिफ्ट यहाँ पर है 14 जुलाई की अगर हम बात करें तो देखिए 14 जुलाई की यहाँ पर सेकंड और थर्ड शिफ्ट ये आपकी यहाँ पर हार्ड शिफ्ट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आता है आपका 18 जुलाई, 18 जुलाई की बात करें थर्ड शिफ्ट आपकी यहाँ पर हार्ड शिफ्ट है। उसके बाद आता है 19 जुलाई, 19 जुलाई की देखें तो यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट है। उसके बाद 24 जुलाई की आपकी देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट है ये आपकी हार्ड शिफ्ट है। वहीं अगर हम देखें 26 जुलाई की तो 26 जुलाई में देखें तो आपका जो फर्स्ट शिफ्ट है ये आपकी यहाँ पर हार्ड शिफ्ट है। तो ये आपकी देखिए यहाँ पर इतनी हार्ड शिफ्ट बन रही है, यानी कि इस शिफ्ट वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर काफ़ी नॉर्मलाइजेशन जो है वो देखने को मिलेगा। फिर देखिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी इजी शिफ्ट की, और इजी शिफ्ट की बात करें तो देखिए इजी शिफ्ट में अगर हम लेके चले कि तो आपका जो सेफ स्कोर है वो कितना बनना है, तो इजी शिफ्ट वाले जो कैंडिडेट है इनका यहाँ पर स्कोर बनना है 135 से लेकर 140, तो आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। मॉडरेट शिफ्ट वालों की बात करें तो देखिए मॉडरेट शिफ्ट वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर जो स्कोर बनना है वो 125 से लेकर 135 के बीच में बनना, तो आप यहाँ पर सेफ हो। हार्ड शिफ्ट वाले जो कैंडिडेट हैं इनका स्कोर बनना 120 आपका लेकर 125 तक, आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। देखिए इजी शिफ्ट वाले जो कैंडिडेट हैं और आपका मॉडरेट हुआ हार्ड हुआ, तो ये वो वाले कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर यहाँ पर, यानी कि जो उन्होंने वो एग्ज़ाम को अटैम्प्ट किया है और इसके बाद जो इनका स्कोर है वो इतना बनना है। और इसमें देखिए तो आपका देखिए ईजी है तो यहाँ पर कम ही नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट वाले जो कैंडिडेट हैं इनको नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम देखिए आपने ही अटैम्प्ट किया है तो उसके बारे में देखिए ज़्यादा आपको यहाँ पर मालूम होगा कि कौन सी शिफ्ट आपकी ईजी है
है और इसके बाद यहाँ पर जो आपका कौन सा शिफ्ट जो है वो हार्ड बन रही है। तो टोटल देखिए यहाँ पर इतनी शिफ्ट आपकी देखिए हो गई है। टोटल जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अभी तक एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर चुके हैं, तो फाइनली एग्ज़ाम जो है वो कम्प्लीट हुआ और इसके बाद आपका जो एवरेज है वो इतना निकल के यहाँ पर आ गया। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर चुके हैं और इसके फाइनली यहाँ पर कह सकते हैं जिनका पहले एग्ज़ाम अटैम्प्ट हो चुका है और अभी वाले जो कैंडिडेट है जिनका फाइनली यहाँ पर एग्ज़ाम अभी अभी यहाँ पर कम्प्लीट हुआ, तो उनका जो एवरेज स्कोर है वो कितना बना। और शिफ्ट आपकी देखिए कैसी थी, ईजी थी, मॉडरेट थी या हार्ड थी, और किस डेट को आपकी शिफ्ट थी और किस यहाँ पर शिफ्ट को आपकी जो एग्ज़ाम है वो आपको किस शिफ्ट में कम्प्लीट हुआ था।